नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचा। राजनीति का एक असूल है कि आप जाति में आर्थिक रूप से भले कमजोर हों, लेकिन आपका चाल चरित्र और चेहरा मजबूत है तो आप राजनीति के बाजीगर हैं। तारीख इस बात की गवाही देती है कि जिनके चेहरे और चरित्र दागदार है उनका राजनीति में नामो निशान मिट गया। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा की, जहां कुछ ऐसे ही माजरे सामने आ रहे हैं। यहां के वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने दूसरी मर्तबा आयोग के सामने एक चिट्ठी के द्वारा शिकायत पेश की है। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति या कोई महिला उनके चरित्र पर हमला कर सकती है और झूठी शिकायत कर सकती है। इसे जैन की डिप्लोमेसी कहें या फिर जैन का डर, देखिए सागर एक्सप्रेस न्यूज की इस खास खबर। बुंदेलखंड के संभाग मुख्यालय सागर की विधानसभा सीट पर एक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है। सियासत के रंग कर्मी कहते हैं कि इस बार भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा में एक के बाद एक आ रहे नए चेहरों से पार्टी की उलझनें बढ़ रही हैं। इस सीट से वर्तमान विधायक शैलेंद्र जैन पर चारित्रिक प्रहार हो रहा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर दक्षिण भारत की एक अश्लील फिल्म के अश्लील कलाकार के मुंह पर शैलेंद्र जैन का मुखौटा लगाया गया था और वो वीडियो वायरल होकर शहर में सुर्खियों में रहा था। विधायक ने इस वीडियो की शिकायत भी मोतीनगर थाने में की थी, जिसके बाद आकाश जैन नाम के शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब खबर है कि सियासत के इस खतरीले खेल से विधायक डरे हैं और उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक शिकायती चिट्ठी सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि मेरे ऊपर अगर कोई शिकायत आती है तो प्रजातांत्रिक तरीके से मेरा पक्ष भी सुना जाए। मामला पूरा किसने दिया? हाँ, एक पत्र आया है विधायक सागर से कि यदि कुछ इस तरीके का कार्य किया जाएगा तो उनके विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, जो भी संबंधित ऐसे पक्ष होंगे। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो आरओ जो है उसके ऊपर कार्रवाई। बेसिकली कुछ उनको लगता है कि मे बी मलाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स, बट अभी उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है। वो तो यदि कोई शिकायत हमें प्राप्त होगी, और जैसा कि बाकी शिकायतों में भी हम करते हैं, तो सभी आरओ से ही रिपोर्ट लेते हैं एंड प्रॉपर कार्रवाई। विधायक जी का यह डर है तो बात वाजिब है, लेकिन अगर यह डिप्लोमेसी है तो विधायक जी की यह सियासत की चाल है। भाजपा सूत्र कहते हैं कि विधायक के विरोध दिल्ली तक पहुंचे हैं। ऐसे में उनके चेहरे को दागदार बनाने की साजिशों से कुछ बातें आला संगठन तक पहुंचकर उन्हें कमजोर बना रही हैं। यह शिकायती डिप्लोमेसी की दास्तान बयां की है, जो संगठन को लेकर अपने चरित्र को साफ सुथरा दिखाने का विधायक जी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कि डॉक्टर गौर की बौद्धिक नगरी में इस दफा विकास पर नहीं बल्कि चाल चरित्र और चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सियासत और राजनीति में डरना चाहिए, लेकिन वो डर जनता से होना चाहिए। अगर आप सच्चे जनसेवक हैं तो ये जाहिर है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपकी इस जनसेवा में अगर थोड़ी बहुत भी सत्यता है तो यकीन जाने सियासत के गंदे कीचड़ में भी आप कमल बनकर खिलेंगे। दुष्यंत का मुझे एक शेर याद आता है कि आपके देखेंगे किसी दिन कालीन, अभी तो पैर कीचड़ से सने। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। किसी और खबर में, किसी और मुद्दे में आपके सामने होंगे, आपके साथ होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।